इसकी माँ का। हाँ हाय गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल है आप सबके। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एयरपोर्ट पर हूँ, वो भी इंटरनेशनल, छोटे मोटे नहीं। और ये मेरी बीवी है, फुल इंटरनेशनल, छोटी मोटी नहीं। गोइंग अब्रॉड फॉर सेकेंड टाइम टुगेदर। पहली बार जैसा मज़ा नहीं आ रहा, बिकॉज लाइक आई ऑलवेज से पहली बार सिर्फ एक बार आता है। तो मैं यहाँ से लेना था कुछ गाइस, फार्मेसी से बैंडेड ही ले रहे हैं लोग। इंडिगो पैसेंजर्स दुबई को बुला रहे हैं। शट अप। अरे सीरियसली? आई एम नॉट इंडिगो। व्हाट आर यू देन? आई एम फ्लाइंग एमिरेट्स। गिर गया मैं, गिर गया। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर हम लोग दुकान पे लाया गया, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई ज़ाफ़रान से क्या फ़ायदा है और इससे क्या फ़ायदा है। और जो बेच रहा था वो आया, मैंने कहा भाई क्या हाल है, कह रहा बढ़िया भाई बढ़िया। हाँ कहाँ से? कह रहा आगरे से। मैंने कहा अरे पाँच में भी आगरे से। मेरे साथ ये होता है कि कोई इंसान कहीं से बोल दे, अगर मैं वहाँ के बारे में थोड़ा भी जानता हूँ तो मैं वहीं से हो जाता हूँ। दिस इज इन डेरा, आई थिंक दिस इज ओल्ड दुबई, जहाँ तक जो मेरे समझ में आ रहा है। अभी शुरुआत तो हमें चुतिया बनाने वाले स्कीम से हुई कि जहाँ ले जाते हैं ना अंग्रेज़ों को एक दुकान पे, जहाँ बस वाले रोक देते हैं, वैसा तो कुछ सिस्टम था। हम लोग आए बट इट वॉज नॉट अ बैड शॉप ऑनेस्टली, बट अब वी आर गोइंग समवेयर एल्स, हमारा ट्रांसफ़र है। नो नो नो, दैट्स अनदर ग्रुप, बट लेट मी चेक। गेस्ट फ्रॉम रमादा प्लाजा। फुल मिडिल क्लास ही लगी अपनी। क्यों भाई? मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं ऐसे वो करूँगा, टूर करूँगा, बट ठीक है यार, यहाँ जिस हिसाब से यार कैब के पैसे लगते हैं उस हिसाब से ठीक है, एक दिन में सारा घुमा देंगे। मतलब कैब तो शिट एक्सपेंसिव। इंडियंस डू नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ चीप कैब्स एंड चीप डेटा। कोई हमारे यहाँ तो मुफ्त में बढ़ रहा है, यहाँ साला मैंने 1100 रुपये का सिम लिया है, मुझे 2 GB डेटा मिला। Honestly, back home, I never take the bus, I never take the metro. और but here, हाँ है तो है भाई, तुम जैसे गरीब लोगों के साथ vlog बनाना ही नहीं चाहिए इसकी माँ का। तुम तो सच में क्यों आई हो बस में बैठने के लिए? और ये क्या? What is this? FIFA की रेफरी बन के क्यों घूम रही हो? क्या FIFA की रेफरी बन के क्यों घूम रही हो? Because of the COVID, it was open. That was the most busiest place here in Dubai. But after the COVID, it is closed. So it will open soon. 4th कहलाता है अल फहीदी फोर्ट, और हम हिंदुस्तानियों के हिसाब से अगर ये फोर्ट होने लगा है, तो इतने बड़े बड़े तो कोटियाँ होती, इससे बड़े तो सिद्धू मूसे वाले की कोटी थी। हाँ actually. मैं कह रहा हूँ जामिया के मेन गेट पे इससे बड़ी तोपें लगी हुई हैं। कैसा लगा तुम्हें अल फाइदी फोर्ट? In that museum, they're showcasing the past, how the people were living in the past. हाँ, they're living like poor people. And on the right hand side, we have the. Guys, यहाँ पे जो था, ये जुमेरा मॉस्क है। This happens to be the only mosque in the country where non-Muslims are allowed. So what they usually do here apparently is that you can come here to learn the way of life and other things in Islam.
इन अगर आम भाषा में बोला जाए तो यहाँ पर टूरिज्म जिहाद हो रहा है बच्चों, या टूरिज्म के नाम पर लोगों को मुसलमान बना रहे हैं। मानेंगे नहीं मुंडले। वॉट अप यूनिटी दिस इज। हमारे जो टूर गाइड हैं, मेरे ख्याल से वही पाकिस्तानी हैं, उनके एक्सेंट से लग रहा है कि पाकिस्तानी हैं, तो ठीक है अभी तक तो अच्छा घुमा रहे हैं। आई लाइक द फैक्ट दैट, हाँ थोड़ा सा रश्ड अप है, बट आई लाइक द फैक्ट दैट वी आर एबल टू टच अपॉन एवरीथिंग, सो दैट्स अ गुड थिंग। बाकी बस ठीक ठाक ही है। There's a dry docks on the right hand side. They also give you a Burj Al Arab tour, and that is a cost of 245 dirham. और अभी हम लोग को यहाँ लाया गया है at I don't know if you can see behind me. Yes, you can. This is the Jumeirah Beach, जिसका आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा. यहाँ swimming allowed नहीं है, only surfing you can do. स्विमिंग करने के लिए उधर इलाका बनाया हुआ है जहाँ आप स्विमिंग कर सकते हैं, और उसमें भी एक वो लगाई हुई है कि उसी एरिया तक कर सकते हैं। अरे वहाँ मैटनी शो चल रहा है, स्विमिंग करते वक्त लोग साड़ी बांध के तो नहीं जाएंगे ना, नहीं जा सकते। दैट इज द बुर्ज अल अरब। भाई फोटो वोटो में ज़्यादा बढ़िया लगता था, खास नहीं लग रहा। दिस इज अ प्लेस इन दुबई विच इज नेम्ड आफ्टर द वन थिंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हु डिबेट ऑन द इंटरनेट सीम टू मिस, इट इज कॉल्ड द पॉइंट। और यहाँ पर ये इसको मैं क्या बताऊँ, द पॉइंट क्या सिस्टम है द पॉइंट ऐसे ही गाइज। यहाँ भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन टाइप का है, बिकॉज यहाँ से इट गिव्स अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द अटलांटिस रिजॉर्ट। एक्चुअली द पॉइंट जहाँ पर हम लोग आना चाह रहे थे, ये मेरा मेन पॉइंट है इधर, और ये है जिसके लिए ये मशहूर है, दिस इज अटलांटिस। हम लोग ने बहुत सारी फिल्मों में इसको देखा होगा।